कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए राणा एजुकेशन को और करे अपने NCHMCT JEE UGC NET का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। ओके, सो आई गेस भूपेंद्र सर ने ज्वाइन कर लिया है ना। तो मैं आपको थोड़ा सा सर के बारे में फिर से बता देता हूँ। सर जो है वो 5 साल से ज्यादा टीचिंग एक्सपीरियंस है, मोर देन 5-6 ईयर्स। और सर ने खुद ये एग्जाम क्वालिफाई किया था 2019 में, NSTET का एग्जाम, ओके, AL के लिए, वो भी मोर देन 200 मार्क्स। ऑलराइट, सेकेंडली भूपेंद्र सर ही आपको पेपर 2 कंप्लीट पढ़ाएंगे, अकाउंट्स, फूड साइंस एंड मैनेजमेंट एज वेल, ओके। तो क्योंकि उन्होंने खुद ये पेपर क्रैक किया हुआ है, तो वो आपको कुछ ट्रिक्स भी साथ में बताएंगे, यू नो, जिससे कि आपको पेपर 2, मैंने कहा था थोड़ा सा टिपिकल रहता है, तो पेपर 2 में कैसे अच्छा स्कोर करना है, वो सर आपको बहुत सारे ट्रिक्स बताएंगे, ओके। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। आवाज आ रही है मेरी? बिल्कुल सर। तो आई थिंक राणा सर ने ऑलरेडी आपके आपको मेरे बारे में बताई दिया है ना, एंड विदाउट वेस्टिंग मच टाइम वी विल जस्ट स्टार्ट। जो मेरा प्लान है अभी, हमारा जो सेकंड पेपर है दैट कंप्राइजेज ऑफ मेनली 3 मेजर सब्जेक्ट्स जो आपके एग्जामिनेशन में आ जाते हैं, जिनसे क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आ जाते हैं। द फर्स्ट वन इज न्यूट्रिशन एंड फूड साइंस, द सेकेंड वन इज होटल अकाउंट्स, एंड द थर्ड वन इज जनरल मैनेजमेंट। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम इसमें कवर कर सके, बिकॉज न्यूट्रिशन और फूड साइंस हमारे BSc के सिलेबस से बहुत ज्यादा रिलेटेड है। तो हम लोग, मैंने प्लान करा है कि हम लोग शुरुआत उससे करेंगे, एंड अकाउंट्स और मैनेजमेंट बहुत ही वास्ट है, तो उसमें हम वो टॉपिक्स पिक करेंगे जो पिछले कुछ ईयर के क्वेश्चन पेपर्स में आए हैं, और कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम उसमें से हम लोग कवर कर सके। इन केस आपको कोई ऐसा डाउट है, डाउट रह जाता है एट द एंड ऑफ द सेशन या इन क्लासेस के बाद, कोई ऐसा डाउट है, कोई ऐसा टॉपिक है जो आपको लगता है कि कवर होना चाहिए था बट नहीं हो पाया किसी वजह से, तो आप प्लीज राणा सर को बता सकते हैं या चैट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं, या अपने आपको अनम्यूट करके आप बीच में यू नो एक बार रेज योर हैंड एंड जस्ट लेट मी नो अगर कोई कंसर्न या कोई इशू है ना। सो दिस इज द फर्स्ट स्लाइड यू कैन सी ना। ओके, सो माय फर्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम ऑल ऑफ यू दैट देयर इज अ पर्सन इन दिस पिक्चर, आप चैट बॉक्स में आई वांट यू टू राइट डाउन हिज फुल नेम, अगर आपको आप लोगों को पता है इनका पूरा नाम क्या है ना। ठीक है, ही इज द फाउंडर CEO ऑफ राणा एजुकेशन, जिसमें आप ये क्लासेस ले पा रहे हैं, एंड करेंटली ही इज असिस्टेंट लेक्चरर एंड ही इज माई को होस्ट फॉर द डे एज वेल। So starting with a bit of a quote, it says here that a journey of 1,000 miles begins with a single step, है ना? So NSTET का exam आपके hospitality career और IHMS के career में कुछ ऐसे ही एक single step है ना, और इसकी जो journey है वो बहुत vast है और काफी challenging है। तो जो जिस spirit से आप NSTET के preparations कर रहे हैं, उसी spirit से आगे जो NSTET के बाद future जो process है उसको भी करते रहिएगा, है ना? That is my advice to each one of you, जो भी यहाँ पे ये session attend कर रहे हैं, है ना? कई बार क्या होता है कि हम लोग बहुत अच्छा score कर लेते हैं, उसके बाद future में uncertainties बहुत होती है, लेकिन अपने आप को कभी low feel नहीं करना है, हम लोगों ने steps लेते रहना है ताकि हम लोग एक अच्छी journey कर पाए अपनी life में। सो दी फर्स्ट टॉपिक इज न्यूट्रिशन, फूड साइंस एंड फूड सेफ्टी। तो ये 3 टॉपिक हम लोग कवर करने वाले हैं। तो इंट्रोडक्शन बेसिकली क्या है, बेसिकली हम लोग ये 3 टॉपिक्स के बारे में थोड़ा थोड़ा मैं आपको बताना चाहूंगा कि बेसिकली न्यूट्रिशन, फूड साइंस और फूड सेफ्टी में समानताएं क्या है और अंतर क्या है। ठीक है, ये तीनों चीजों आपके फूड से रिलेटेड है, आपकी बॉडी के मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड है, और आप जो खाना खाते हैं उसके आपके बॉडी पे क्या असर होते हैं इससे रिलेटेड है। बेसिकली आपने ये जिन लोगों ने IHMS का IHMS के करिकुलम में रहे हैं उसमें उन्हें पता है कि ये एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट होता है आपके ओवर द 3 इयर्स ऑफ टाइम। लेकिन अगर कोई ऐसा है जिसको इसके बारे में थोड़ा सा आइडिया नहीं है, बता देता हूँ। ठीक है, न्यूट्रिशन इज नथिंग, इट इज अ बायोकेमिकल एंड फिजियोलॉजिकल प्रोसेस। ठीक है, जिससे हम लोग कोई भी ऑर्गेनिज्म, चाहे हम हो, चाहे एनिमल्स हो, चाहे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो, या चाहे कोई भी और हो, वो
फूड को यूज करता है अपनी लाइफ को सपोर्ट करने के लिए। अब हमारी लाइफ को सपोर्ट करने के लिए हमें कुछ चीजें चाहिए होती है जो हमें फूड से मिलती है, और उन चीजों को हम लोग बोलते हैं न्यूट्रिएंट्स। तो आप देख रहे होंगे देयर आर वेरियस टर्म्स हाईलाइटेड, तो इन पे जरा गौर करिएगा, और अगर आपके पास पेन और पेंसिल या कॉपी है तो आप इनको नोट डाउन करते रहिए, क्योंकि ये छोटे छोटे टर्म्स है, कई बार आ जाते हैं एग्जामिनेशन में, बहुत सिंपल है, लेकिन कई बार जो कैंडिडेट्स है वो अटेम्प्ट नहीं कर पाते है ना, क्योंकि हम लोग इनको नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो इट प्रोवाइड्स ऑर्गेनिजम्स विद न्यूट्रिएंट्स, तो न्यूट्रिएंट्स एक ऐसी चीज है, या न्यूट्रिएंट्स वो सेट ऑफ केमिकल्स हैं जो हमारी बॉडी को चाहिए होते हैं और जो हम फूड के फॉर्म में हम लोग इंटेक करते हैं, ठीक है। और उन न्यूट्रिएंट्स को क्या होता है, उन न्यूट्रिएंट्स से हमारी बॉडी को मेटाबॉलिज्म मिलता है, हमारी बॉडी डिफरेंट डिफरेंट वॉलेंट्री एज वेल एज इनवॉलेंट्री एक्टिविटीज कर सकती है। वॉलेंट्री एक्टिविटीज में आपके हैंड मूवमेंट हो गए है ना, जेस्चर्स हो गए, इनवॉलेंट्री एक्टिविटीज में कुछ ऐसी एक्टिविटीज होती हैं जो बॉडी जिन पे आपका कंट्रोल नहीं होता है बेसिकली, जैसे हार्ट बीट है ना, तो हार्ट बीट आपके दिल को धड़कने के लिए भी तो कुछ एनर्जी चाहिए, तो वो एनर्जी कहाँ से आती है, वो एनर्जी आती है आपके न्यूट्रिएंट्स से, और न्यूट्रिएंट्स हमें कहाँ से मिलते हैं, हमें न्यूट्रिएंट्स फूड से मिलते हैं। तो बहुत डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड, आप लोग हॉस्पिटैलिटी के स्टूडेंट्स रहे हैं, आप लोग पढ़ रहे हैं हॉस्पिटैलिटी, तो आपको पता होगा कि हमारे पास फूड की बहुत डिफरेंट वेराइटीज है, बहुत प्रकार है ना, तो हर हर फूड में एक डिफरेंट काइंड ऑफ न्यूट्रिएंट रहता है जो हमारी बॉडी को एक डिफरेंटली इफेक्ट करता है, ठीक है। नेक्स्ट इज योर फूड साइंस, फूड व्हाट इज फूड साइंस, फूड साइंस इज जनरली अ टर्म, जनरली अ बेसिकली फील्ड रिलेटेड टू न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन का थोड़ा सा वास्ट स्कोप है फूड साइंस, इसमें हम लोग फूड के साथ डील करते हैं, हम लोग फूड की केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी और इंजीनियरिंग को समझने की कोशिश करते हैं है ना, ऐसे समझने की कोशिश करते हैं कि उससे न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, या कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, या उस पर्टिकुलर फूड को कुक करने से क्या न्यूट्रिशनल लॉस हो सकता है, क्या न्यूट्रिशनल गेन हो सकता है, क्या फिजिकल लॉस होता है, क्या फिजिकल गेन होता है, तो ये चीजें हम लोग आगे आने वाले अपने सेशंस में समझने की कोशिश करेंगे। एंड द लास्ट वन इज फूड सेफ्टी। नाउ व्हेनेवर वी आर टॉकिंग अबाउट फूड है ना, जब भी हम खाने की बात करते हैं, तो हमारी जो भी चीज हम लोग अपनी बॉडी के अंदर इंटेक करते हैं वो कैसी है, किस प्रकार की, क्या हमारे लिए हेल्दी है कि नहीं है, इन चीजों को माइंड में रखते हुए एक पूरा डिसिप्लिन है जिसको बोलते हैं फूड सेफ्टी या फूड हाइजीन। सो हियर इट सेज दैट इट इज यूज्ड एज अ साइंटिफिक मेथड और अ डिसिप्लिन ऑफ हैंडलिंग प्रिपरेशन एंड स्टोरेज ऑफ फूड इन वेज टू प्रिवेंट फूड बॉर्न इलनेस, ठीक है। तो ये टर्म्स आपने याद रखनी है, प्रिपरेशन, स्टोरेज एंड फूड बॉर्न इलनेस। फूड बॉर्न इलनेस क्या क्या होती है, जो आपका खाना खाने से हो सकती है बेसिकली, अगर मैं एक छोटी सी बीमारी की बात करूं तो आपका कई बार क्या होता है, पेट दर्द हो जाता है, तो वो कई बार आपका कुछ गलत या कुछ ऐसा चीज जो एक्सपायर्ड हो वो खाने से हो सकता है ना। सो फूड सेफ्टी इज कंसर्न अबाउट ऑल दीज थिंग्स, राइट। नेक्स्ट इज फंक्शंस ऑफ फूड। नाउ अप टिल नाउ वी हैव अंडरस्टूड व्हाट फूड इज, फूड हमें समझ आ गया कि फूड क्या होता है, तो फूड कोई भी ऐसी खाद्य पदार्थ है, मतलब हमारे खाने या पीने की कोई भी ऐसी वस्तु है जिससे हम लोगों को न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, और न्यूट्रिएंट्स हमें क्या करते हैं, न्यूट्रिएंट्स हमें न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं। न्यूट्रिशन बेसिकली क्या है, न्यूट्रिशन हमारी बॉडी को चलाने के लिए, हमारी बॉडी के संचालन के लिए जो हमें केमिकल्स चाहिए होते हैं शरीर को, जैसे आपकी गाड़ी को चलने के लिए फ्यूल की जरूरत होती है ना, और फ्यूल डिफरेंट फॉर्म्स में होता है, वैसे हमारी बॉडी को चलने के लिए न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है, बहुत डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स में होते हैं, वो किस किस फॉर्म्स में होता है आगे समझने की कोशिश करेंगे। उससे पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि फंक्शंस ऑफ फूड क्या क्या हो सकते हैं। आई थिंक लास्ट टाइम मैं पेपर देख रहा था, उसमें एक क्वेश्चन आया हुआ था, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फंक्शंस ऑफ फूड है ना, तो इनमें से समझने की कोशिश करेंगे। पहला है फिजियोलॉजिकल, दूसरा है साइकोलॉजिकल और तीसरा है सोशल। तो सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लिए है फिजियोलॉजिकल। फिजियोलॉजिकल मतलब फिजियो, ये दो पार्ट से में डिवाइडेड है, फिजियो प्लस लॉजिकल। फिजियो मींस आपकी बॉडी, आपकी फिजिकल बॉडी से रिलेटेड, ठीक है। तो आपके फूड के जो बेसिक जो जरूरत है, हमें फूड की क्यों जरूरत है, जो बेसिक फंक्शन है फूड का, वो है सबसे पहले एनर्जी गिविंग, दूसरा है बॉडी बिल्डिंग, तीसरा है प्रोटेक्टिव एंड रेगुलेटरी, मतलब एनर्जी की, मतलब हम लोग खाना इसलिए खाते हैं ताकि हमें ताकत मिल सके, ठीक है। दूसरी चीज, हम लोग खाना इसलिए खाते हैं ताकि हमारा जो बॉडी है वो ग्रो कर सके, जो हमारे
है ना, हमारे डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स रहते हैं, डिफरेंट मसल्स रहती हैं, वो हमारे वर्कलोड के हिसाब से बिल्ड हो सके उसके लिए हम लोगों को फूड कंज्यूम करने की जरूरत होती है। और तीसरा है प्रोटेक्टिव एंड रेगुलेटरी, मतलब कुछ ऐसे काम करने के लिए भी हम लोगों को फूड की जरूरत पड़ती है जो हमारे पूरे सिस्टम को जो हमारे पूरे सिस्टम को संचालन करने में काम आते हैं, उसको रेगुलेटरी बोलते हैं, प्रोटेक्टिव बोलते हैं। कि हमारे को, जैसे आपको खांसी जुकाम होता है तो कई बार आपने देखा होगा खुद ठीक हो जाता है, क्यों हो जाता है, क्योंकि आपके वो फूड डाइट पे डिपेंड करता है ना, राइट। नेक्स्ट इज योर साइकोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल फंक्शन ऑफ फूड में अगर मैं बात करूं तो साइकोलॉजिकल फंक्शन होता है कि जब कई बार क्या होता है, आप कोई खाने की चीज ऐसी होती है जो आपको बहुत ज्यादा पसंद होती है ना, कई बार क्या होता है कि घर पे मम्मी की हाथ की जो दाल होती है वो आप अपनी नॉर्मल डाइट से ज्यादा खा लेते हो, है ना। तो ये क्या, ये एक साइकोलॉजिकल फंक्शन है, ठीक है, विच इज साइको मीन्स रिलेटेड टू माइंड एंड, है ना, दैट्स हाउ इट हैज इट्स टर्म साइकोलॉजिकल, ठीक है। उसके बाद है आपका सोशल, सोशल में बड़ा ही कॉमन है आजकल, बड़ा कंसेप्ट में है कि आप लोग गेट टुगेदर्स करते हैं, पार्टीज करते हैं फ्रेंड्स के साथ, तो वहां पे फूड जो रोल प्ले करता है दैट इज अ सोशल रोल और सोशल फंक्शन ऑफ फूड। तो मेजरली साइकोलॉजिकल और सोशल के बारे में इतना नहीं पूछा जाता है जितना फिजियोलॉजिकल के बारे में पूछा जाता है कि इनमें से कौन से फंक्शंस हैं जो फूड फूड इनटेक करने से, या फूड के क्या क्या फंक्शंस होते हैं ह्यूमन की बॉडी में। तो ह्यूमन की बॉडी में फूड के तीन बेसिक फंक्शंस होते हैं, एनर्जी गिविंग, बॉडी बिल्डिंग एंड प्रोटेक्टिव एंड रेगुलेटरी, ठीक है। उसके बाद हम लोग जनरली क्या होता है कि आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोगों को कई लोग या कई डाइटिशियंस या कई डॉक्टर्स कुछ कुछ सेट ऑफ फूड प्रोडक्ट्स बोलते हैं कि आप ये ज्यादा मात्रा में खाइए, कुछ सेट ऑफ फूड प्रोडक्ट्स बोलते हैं ये कम मात्रा में खाइए, है ना, या कम क्वांटिटीज में कंज्यूम कीजिए, या आपने इंटरनेट पे पढ़ा होगा, बुक्स पे पढ़ा होगा, किसी ने आपको सजेस्ट करा होगा कि यार ये सारी चीजें खानी चाहिए, ये थोड़ा कम खानी चाहिए, है ना। तो उस बेसिस पे जो यूएन हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने 2015 में एक चार्ट पब्लिश करा था जो ये है ना, इट इज नोन एज फूड पिरामिड, ठीक है। अब फूड पिरामिड इज अ ट्रायंगल शेप ऑफ ट्रायंगल शेप का होता है और इसमें डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ फूड डिवाइडेड रहते हैं, ठीक है। इसको हम लोग डिवाइड करेंगे, अगर आप नीचे देखेंगे, नीचे सीरियल्स है, सीरियल्स को हम लोग ग्रुप ए में डिवाइड करते हैं, देन वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स को ग्रुप बी में डिवाइड करते हैं, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स को ग्रुप सी में डिवाइड करते हैं, और जो फैट्स एंड ऑयल्स है और स्वीट आइटम्स है इनको हम ग्रुप डी में कंसिडर करते हैं, ठीक है। इस हिसाब से ये पिरामिड बना हुआ है। इसमें एक क्वेश्चन आई थिंक 2020 में या 2018 में एक क्वेश्चन आया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कम्स अंडर ग्रुप ए ऑफ फूड पिरामिड, ऐसे करके एक क्वेश्चन आया। तो ज्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे, सिंपल सा समझेंगे इसको कि जितने भी आपके सीरियल्स होते हैं, ठीक है, राइसेस, सीरियल्स और ब्रेड्स होते हैं, ये ग्रुप ए में आते हैं, है ना। ग्रुप ए मतलब इनको आप जितना ज्यादा कंज्यूम कर सकते हैं उतना बेटर है आपकी बॉडी के लिए, ठीक है। उसके बाद इससे ऊपर जाएंगे ग्रुप बी। अब आप देखिए इस ट्राइंगल का ना शेप हल्के हल्के छोटा होता जाएगा, मतलब हम लोगों को इनकी जो सर्विंग है, जो सर्विंग क्वांटिटी है, वो हल्के हल्के कम होती जाएगी। उसके बाद जो इनके बाद जो नेक्स्ट इन कमांड है वो है फ्रूट्स ग्रुप या फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, ठीक है। तो इनको फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को जनरली कंसिडर करा जाता है कि आपको दिन में 3 से 5 सर्विंग फ्रूट की और 2 से 4 सर्विंग सॉरी 3 से 5 सर्विंग वेजिटेबल्स की और 2 से 4 सर्विंग आपके फ्रूट्स की होनी चाहिए डाइटरी डेली ऑन डेली बेसिस, ठीक है। उसके ऊपर अगर आप जाएंगे तो यहाँ पे आपके पास डेयरी डेयरी प्रोडक्ट्स है, ठीक है। और जो फर्स्ट लास्ट है दिस इज ये ग्रुप डी है। ग्रुप डी में आपके जितने भी फैट्स से बनी हुई चीजें, जितनी भी ऑयली चीजें होती है, जितनी भी बहुत ज्यादा मीठी चीजें होती है, इन इनका इनटेक बोला गया कि ये बहुत ही रेयरली इनटेक करनी चाहिए, और बहुत ही अगर आप किसी फूड में यूज कर रहे हैं तो वो बहुत ही कम क्वांटिटीज में होनी चाहिए, क्योंकि इनके नेगेटिव इम्पैक्ट ज्यादा होते हैं बॉडी पे, है ना, ठीक है। सो दिस इज फूड पिरामिड, ये यूएसडी ने पहले 2015 में लॉन्च करा था, है ना। अब फूड से, फूड के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं तो फूड से नेक्स्ट चीज जो, अगर हम फूड को थोड़ा निचोड़ने की कोशिश करेंगे तो फूड से हमें क्या मिलता है, फूड से हमें न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, है ना। तो न्यूट्रिएंट्स के बारे में समझेंगे, ठीक है। तो हमारी बॉडी में जो न्यूट्रिएंट्स
ये हमारे इनटेक के हिसाब से ये जो चार्ट आप लोग देख रहे हैं ये कॉन्स्टेंटली हम लोग विजिट करते रहेंगे ये पर्टिकुलर स्लाइड, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें क्लासिफिकेशन हैं जो आपको मैंने आगे भी समझानी है डिटेल में, है ना। तो क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स आप देखेंगे, न्यूट्रिएंट्स क्या चीज होती है मैंने आपको पहले भी बता दिया था, न्यूट्रिएंट्स ऐसे वो केमिकल्स होते हैं फूड में जो हमारी बॉडी को न्यूट्रिशन या जो हमारी बॉडी के जो हम लोगों ने तीन बेसिक फंक्शंस पढ़े थे उनको फुलफिल करने के काम आते हैं। कौन कौन से बेसिक फंक्शंस थे अगर आप याद करेंगे तो बॉडी बिल्डिंग, एनर्जी गिविंग एंड प्रोटेक्शन एंड रेगुलेटरी फंक्शन। ये तीन फंक्शंस को करने के लिए हम लोगों को जो फूड के जरिए जो हमें केमिकल्स मिलते हैं उनको हम लोग न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं, ठीक है। अब न्यूट्रिएंट्स भी आपके बेसिकली ऑन द बेसिस ऑफ इनटेक, इनटेक के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो कुछ हमारे पास मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं और कुछ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं। मैक्रो मींस मैक्रो, आप जब भी टर्म सुनेंगे, अभी आप जब हम होटल इंजीनियरिंग पढ़ेंगे उसमें भी ये टर्म आएगा मैक्रो और माइक्रो, तो ये सिंपल सा समझ लीजिए इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन, मैक्रो का मतलब है लार्ज, माइक्रो का मतलब है स्मॉल, ठीक है। तो जब हम लार्ज क्वांटिटीज में कुछ चीज लेते हैं या लार्ज स्केल पे कुछ चीज कर रहे होते हैं तो उसको हम मैक्रो टर्म करते हैं, जब हम बहुत ही स्मॉल और बहुत ही छोटी क्वांटिटी में कुछ चीज यू नो ऑब्जर्व कर रहे होते हैं तो हम लोग उसको माइक्रो टर्म देते हैं, ठीक है। जैसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो गए जिनको आप जो बहुत छोटे होते हैं जिनको आप देख नहीं सकते, तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है ना, ठीक है। तो न्यूट्रिएंट्स आपके दो तरीके के होते हैं, पहले आ गए मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में आ गए आपके प्रोटीन्स, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, वाटर, है ना। ये ऐसे न्यूट्रिएंट्स हैं जो आप बहुत ज्यादा मात्रा में लेते हैं, आप बहुत सारी ऐसी मतलब सजेस्टेड है ना कि आप इन इन न्यूट्रिएंट्स को ज्यादा से ज्यादा मात्रा में लें अपनी बॉडी को हेल्दी रखने के लिए, ठीक है। तो इसमें प्रोटीन, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, वाटर आ गया, है ना। और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स ऐसे न्यूट्रिएंट्स हैं जो आपकी बॉडी सिंथेसाइज ही बहुत स्मॉल अमाउंट में करती है, मतलब आप लेना तो छोड़िए, आपकी बॉडी अगर आप उन्हें एक्सेस भी लेंगे ना तो आपकी बॉडी जो उनको सिंथेसाइज करेगी वो बहुत ही स्मॉल अमाउंट्स में करेगी, है ना। वो आपके बॉडी का रेगुलेटरी और प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म जो अभी हम लोगों ने फंक्शंस में पढ़ा, प्रोटेक्टिव एंड रेगुलेटरी, तो ये भी इसका एक काम है कि अगर आप ज्यादा ले लेंगे तो क्या होगा, तो उस अगर आप विटामिन ज्यादा ले लेंगे, अगर आप मिनरल ज्यादा ले लेंगे तो उसके क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। प्रोटीन्स में हम लोगों का जो मेजर मेजर सब न्यूट्रिएंट्स यूज होता है हमारी बॉडी के लिए वो होते हैं अमीनो एसिड्स, क्योंकि ये अमीनो एसिड्स हमारे ब्लड में घुल के और हमारी बॉडी के ब्लड सर्कुलेशन में होके बहुत सारी एन नंबर ऑफ फंक्शंस को फंक्शंस करते हैं। जैसे आपका हाथ कट जाए, है ना, और आपका हाथ से ब्लड निकलने लग जाए तो ब्लड क्लॉटिंग भी अमीनो एसिड्स का एक फंक्शन, ठीक है। अगर मैं अमीनो एसिड्स की बात करूँ, अमीनो एसिड्स में फिर फर्दर दो क्लासिफिकेशन है, एक है एसेंशियल, एक है नॉन एसेंशियल, ठीक है। आपने बस अभी के लिए इतना याद रखना है कि 9 टोटल 23 अमीनो एसिड्स होते हैं जिसमें 9 एसेंशियल होते हैं, ठीक है। और 9 ये आप लोगों ने ये 9 अमीनो एसिड्स याद कर लेने हैं बाय हार्ट, ठीक है। आपको पीपीटी शेयर हो जाएगी, राणा सर आई थिंक आपको फॉरवर्ड कर ही देंगे, मैं उनको ये उनके पास ये पीपीटी ऑलरेडी है, तो आप लोगों ने ये 9 अमीनो एसिड्स तो बाय हार्ट याद कर लेने, बिकॉज इनसे एक ना एक क्वेश्चन आ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एसेंशियल अमीनो एसिड्स या विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एसेंशियल अमीनो एसिड्स। तो मेरे ख्याल से ये 11-12 याद करने से बेटर है आप ये 9 याद कर लें, है ना। तो आप लोगों का एक दो नंबर तो इसमें डेफिनेटली एक दो नंबर के क्वेश्चन इसमें आते ही आते हैं, ठीक है। सो दिस इज ह्यूमन डाइजेस्ट। अभी तक आपको कोई क्वेश्चन हो तो यू कैन आस्क एनीवन। ओके, सो नोबडी इज रिप्लाइंग, सो आई बिलीव दैट अभी तक कोई क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। इन केस कोई क्वेश्चन हो प्लीज रेज योर हैंड्स और ड्रॉप योर कमेंट ऑन चैट बॉक्स, जैसा भी आपको कन्वीनियंट लगे, है ना। ठीक है, सो अमीनो एसिड्स में आपने एक चीज ध्यान रखनी है, अगेन एंड अगेन आई एम टेलिंग यू कि ये जो 9 अमीनो एसिड्स हैं, 9 एसेंशियल अमीनो एसिड्स हैं, इनको बाय हार्ट आप याद कर ले, बिकॉज इससे एक ना एक क्वेश्चन जरूर आएगा। इधर क्वेश्चन ये होगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अमीनो इज एन एसेंशियल अमीनो एसिड, या ये होगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एसेंशियल अमीनो एसिड। इन बोथ द केसेस अगर आपको 9
बेसिक अमीनो 9 एसेंशियल अमीनो एसिड्स याद है, तो आप दोनों क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, नाउ दिस इज अ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, वेरी सिंपल। ठीक है, इसमें ज्यादा कुछ बताने का नहीं है। ठीक है, दिस इज अ फूड पाइप, इसको इसोफेगस भी कहते हैं, है ना। स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन्स, ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन्स एंड लीवर एंड पेनक्रियाज, ये बेसिक बस आपको स्ट्रक्चर समझाने के लिए ये स्लाइड डाली गई थी। ठीक है, नाउ कमिंग टू द फर्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर न्यूट्रिशन। ठीक है, यहाँ से शुरू करेंगे और कोशिश करेंगे इसको जल्दी वाइंड अप करने की। अगर आपको फिर भी कोई डाउट हो, प्लीज डू आस्क क्वेश्चंस ऑन द चैट बॉक्स, है ना। हम लोग सेशन के एंड में कोशिश करेंगे जितने आंसर पॉसिबल हो पाए उतने हम लोग कवर अप कर ले, है ना। सो कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट्स आपके एक तरीके के हम लोगों ने ऑलरेडी यहाँ पहले पढ़ा था। ठीक है, अगर आप ये वाली स्लाइड देखेंगे तो न्यूट्रिएंट्स के अंदर मैक्रो न्यूट्रिएंट्स है, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स के अंदर आपका एक मैक्रो न्यूट्रिएंट है जिसको कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं। ठीक है, तो उसी से शुरू करेंगे। कार्बोहाइड्रेट्स के न्यूट्रिशनल फैक्टर्स क्या हैं और कार्बोहाइड्रेट जो फूड में कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं उनके कुकिंग पे क्या क्या इम्पैक्ट पड़ते हैं। कुछ ऐसे ही क्वेश्चंस एनस्टेट में आते हैं मेरे ख्याल से, इससे बाहर मैंने कभी आते हुए देखे नहीं है नॉर्मली जो मैंने अभी तक पेपर रिव्यू करे, है ना। तो लगभग ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, तो आपको जो बेसिकली जो चार पांच चीजें पता होनी चाहिए और जो चार पांच चीजें बाय हार्ट आपको पता होनी चाहिए वो ये सारी है। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट्स, और अगर मैं इन सब की बात करूं, अगर आप ये चार्ट देख पा रहे हैं, ठीक है, तो प्रोटीन्स, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स और वाटर, इन सब में जो बेसिक चीज कॉमन है वो है कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन के एटम्स। ठीक है, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन के एटम्स इन चारों मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में होते हैं, विटामिन्स और मिनरल्स में नहीं होते। अब उनकी जो बॉन्डिंग रहती है वो थोड़ा डिफरेंट डिफरेंट रहती है हर चीज, हर में प्रोटीन में थोड़ा अलग होगी, फैट्स में थोड़ा अलग होगी, कार्बोहाइड्रेट्स में थोड़ा अलग होगी और वाटर में अलग होगी, इसीलिए ये न्यूट्रिएंट्स अलग अलग है, है ना। वो कैसे हैं वो हम आगे इंडिविजुअली हर जब मैक्रो न्यूट्रिएंट्स को पढ़ रहे होंगे तो समझेंगे। सो कार्बोहाइड्रेट्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मेड अप ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, तीन चीजों का हम लोगों ने पहले भी बोला था कि मैक्रो न्यूट्रिएंट जनरली कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन से बने रहते हैं। और इनको कार्बोहाइड्रेट्स क्यों बोला जाता है, हाइड्रेट्स मतलब हाइड्रेट से आप समझ रहे होंगे हाइड्रोजन या पानी से रिलेटेड, हाइड्रो है ना, समथिंग रिलेटेड टू वाटर। वो इसलिए क्योंकि इनकी जो प्रोपोर्शन है कार्बोहाइड्रेट्स की, जनरली अगर आप केमिकल बॉन्डिंग देखेंगे तो उसमें जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की जो प्रोपोर्शन है वो 2:1 रहती है, जैसे पानी में रहती है ना, वाटर में रहती है। वाटर में भी अगर आप H2O देखेंगे तो H2O में भी दो एटम्स ऑफ हाइड्रोजन रहते हैं, वन एटम ऑफ ऑक्सीजन रहता है ना। इसीलिए इसको कार्बोहाइड्रेट्स बोला गया है। कार्बो मीन्स कार्बन, हाइड्रेट्स इज हाइड्रेट कम फ्रॉम हाइड्रोजन, है ना। इट प्रोवाइड्स 4 कैलोरीज पर ग्राम ऑफ इनटेक। नाउ यू हैव टू रिमेम्बर दिस पॉइंट वेरी वेरी विविडली, क्योंकि दो एक या दो बार क्वेश्चन आया है कि आपको कुछ सेट ऑफ यू नो वो दे दिए गए हैं, मतलब ऐसे क्वेश्चन में आया है कि यू हैव कंज्यूम दिस मच ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट, दिस मच ग्राम ऑफ फैट, दिस मच ग्राम ऑफ प्रोटीन्स, तो आपका टोटल कैलोरीज कितना होगा, है ना। तो इसके लिए आपको ये पता होना चाहिए कि एक एक ग्राम कार्बोहाइड्रेट कितना कैलोरीज प्रोवाइड करता है। तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी जरूरी है। वैसे बेसिकली ऐसे याद रख ले कि कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन्स आपके 4 किलो कैलोरीज प्रोवाइड करते हैं आपको बॉडी, आपकी बॉडी को पर ग्राम, है ना। और फैट्स 9 किलो कैलोरीज प्रोवाइड करता है, तो 4:4:9 का रेशियो है तीनों का। ये आप कहीं पे लिख लीजिए, 4:4:9, 4 कैलोरीज कार्बोहाइड्रेट्स टू 4 कैलोरीज ऑफ योर प्रोटीन्स एंड 9 कैलोरीज ऑफ योर फैट्स एंड लिपिड्स। ठीक है, तो पर ग्राम ऑफ इंटेक, है ना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट इज रिकमेंडेड डाइटरी इंटेक इज 100 ग्राम्स पर डे। आई थिंक एक दो क्वेश्चन बीच में आए थे कि वट इज द मिनिमम इनटेक या एवरेज इनटेक ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स इन ह्यूमन बॉडी पर डे, है ना। तो 100 ग्राम्स है। ठीक है, ये 100 ग्राम्स जो फिगर है ये थोड़ा सा फ्लक्चुएट कर सकती है, तो जो भी नियरेस्ट होगी 100 ग्राम्स के वो आप टिक कर देंगे। ठीक है, सो कार्बोहाइड्रेट जनरली इंक्लूड शुगर्स, स्टार्चेस एंड फाइबर्स। ठीक है, तो जितने भी तरीके के शुगर्स आपने वर्ल्ड में देखे हैं,
हर तरीके के, है ना, वो सारे कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, ठीक है। उनके अलावा स्टार्च जितने भी होते हैं वो भी कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, क्योंकि वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ शुगर है, मतलब शुगर के ही जो मॉलिक्यूल्स हैं उन्हीं को, बहुत सारे शुगर मॉलिक्यूल्स को कंबाइन करके एक स्टार्च मॉलिक्यूल बनता है ऐसे, एंड फाइबर्स, ठीक है। एग्जाम्पल जितने भी आप शुगर के प्रोडक्ट्स ले लो सारे हैं, उसके अलावा जितने भी आप स्टार्ची प्रोडक्ट्स ले लो, चाहे वो वीट हो, चाहे वो राइस हो, चाहे वो बार्ले हो, चाहे वो कॉर्न हो, ठीक है। आप इसको थोड़ा लिंक कर सकते हैं, अगर जो FNB में इंटरेस्टेड होंगे, तो जितने भी हम लोग स्पिरिट्स बनाते हैं, है ना, जो स्टार्च बेस्ड स्पिरिट्स बनाते हैं, तो हम लोग स्टार्च की माल्टिंग माल्टिंग वो पूरा प्रोसेस करते हैं, तो वो इसीलिए करते हैं ताकि हम लोग स्टार्च को सिंपल शुगर में कन्वर्ट कर दे, ताकि आपका ईस्ट उस पर एक्टिवेट करके हम लोग एल्कोहल प्रोड्यूस कर सके। तो बेसिक आइडिया ये है, बेसिक प्रिंसिपल ये है स्टार्च की माल्टिंग का, है ना। इट इज ऑल्सो नोन एज एनर्जी बैंक फॉर प्लांट्स, मतलब प्लांट्स के एनिमल्स के लिए भी एनर्जी बैंक काफी, कार्बोहाइड्रेट सी, ठीक है। नेक्स्ट, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आ जाते हैं मेनी टाइम्स, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, तो क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स आप लोग चार याद रखेंगे, है ना। ऑलिगोसैचेराइड्स नहीं भी याद रखेंगे तो भी चलेगा, लेकिन बेसिक चार कार्बोहाइड्रेट्स के क्लासिफिकेशन आपने याद रखने हैं, मोनोसैचेराइड, डाइसैचेराइड, ऑलिगोसैचेराइड एंड पॉलीसैचेराइड, ठीक है। मोनोसैचेराइड्स क्या हो गए, मोनो का मतलब होता है जो दो या छह कार्बन यूनिट से बने हो। अब ये कार्बन यूनिट्स क्या है, ये बेसिक स्ट्रक्चर है आपके किसी भी कार्बोहाइड्रेट का एक बेसिक स्ट्रक्चर रहता है। जैसे अगर मैं ग्लूकोज का एग्जांपल लूँ, है ना, FNB में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि ग्लूकोज को हम लोग ग्लूकोज को हम लोग इससे रिएक्ट करते हैं, इट गिव्स आउट C2H5OH+CO2, है ना। तो जो C6H12O6 है, ये बहुत, ये दिस इज अ मोनोसेचराइड, ये आपको इन तीनों चीजों में मिल जाएगा, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, जो इनकी, है ना, इट इज मेड अप ऑफ 2 to 6 कार्बन यूनिट्स, ठीक है। डाइसेचराइड, डाइसेचराइड्स ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जो एक दो या दो से ज्यादा मोनोसेचराइड से बने होते हैं, जैसे ग्लूकोज और फ्रक्टोज। अगर आप ग्लूकोज और फ्रक्टोज के मॉलिक्यूल्स ऐड करेंगे तो आपको सुक्रोज बन जाता है ना, ऐसे ही फ्रुक्टोज और गैलेक्टोज को मिक्स वो करेंगे तो लैक्टोज बन जाता है, ठीक है। एंड लास्ट वन जो कई बार आपके एनएसटेट के पेपर में आया, दैट इज पॉलीसेचेराइड। पॉलीसेचेराइड में क्या होता है कि जो ये बेसिक है मोनोसेचेराइड, योर बेसिक कार्बन यूनिट्स, है ना, इनके 10 या 10 से ज्यादा यूनिट्स जब आपस में कंबाइन होते हैं, तो जो आपका जिस प्रकार का बड़ा ही कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट बनता है, उसको हम लोग पॉलीसेचेराइड्स कहते हैं। पॉली मीन्स मैनी, है ना, डाई मीन्स टू, है ना, ऑलिगो बेसिकली मीन्स 3 और 4, ऐसे। आप अगर आपको बेसिकली प्रिंसिपल समझना है, मोनो मीन्स 1, डाई मीन्स 2, ऑलिगो मीन्स 3, एंड पॉली मीन्स मोर और मैनी, है ना। इसमें हमारे जितने भी पॉलीसेचेराइड्स में हमारे मैक्सिमम स्टार्चेस आ जाते हैं, जितने भी आपने दुनिया भर के स्टार्चेस फूड प्रोडक्शन में पढ़े होंगे या बेकरी में पढ़े होंगे, ये वो सारे आपके इसमें आ जाएंगे, ठीक है। डेक्सट्रिन, स्टार्च, सेल्यूलोज, हेमी सेल्यूलोज आपका प्लांट्स में भी रहता है, आपका एनिमल्स में भी रहता है, ठीक है। पेक्टिन आपका फ्रूट्स में रहता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको थोड़ा सा याद करने की जरूरत है, या अगर आप एक सिंपल, अगर आप मोनोसेचेराइड्स पढ़ रहे हैं तो मोनोसेचेराइड से ही आई थिंक अगर आप थोड़ा सा समझ पाए तो आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं कि ग्लूकोज और फ्रक्टोज को मिला के क्या बनेगा, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज को मिला के क्या बनेगा, है ना, फ्रक्टोज और ग्लूकोज को मिला के क्या बनेगा। इस टाइप से आपके डाइसेचेराइड्स आपको याद हो जाएंगे, एंड पॉलीसेचेराइड्स आर बेसिकली ऑल दी स्टार्चेस, ठीक है। स्टार्चेस में हम लोगों ने, आपके फूड प्रोडक्शन में भी अगर आप पढ़ाई कर रहे होंगे तो आप लोगों ने देखा होगा, मेजरली जो पॉलीसेचेराइड्स हम लोग डिस्कस करते हैं वो डेक्सट्रिन होगा, स्टार्च होगा, और पेक्टिन कई बार यूज हो जाता है जब हम फ्रूट्स के बारे में पढ़ते हैं, क्योंकि पेक्टिन एक ऐसा कार्बोहाइड्रेट है जो आपको जनरली फ्रूट्स में मिलता है। इससे रिलेटेड, ये पेक्टिन से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया है, आई डोंट नो कौन से वाले एनएसटेट के एग्जाम में आया, बट एक में आया जरूर है। तो ये तीन आप लोगों ने मतलब रट लेने हैं, ये तीन, है ना, ठीक है। नाउ फंक्शंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट, देखो कार्बोहाइड्रेट्स का एक ही काम होता है, हमारी बॉडी को एनर्जी देना, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे थोड़ा इन स्लाइड्स की बात करूं, तो एक चीज, एक कंसेप्ट आप अपने दिमाग में बैठा ले कि आपके जितने भी ये न्यूट्रिएंट्स हैं, ये सारे के सारे आपको एनर्जी प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है। लेकिन कार्बोहाइड्रेट्स का कोर काम है आपके
बॉडी को उसका एक ही काम है आपके बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड कराना। अगर आपकी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट्स नहीं होंगे तो आपकी बॉडी अपनी एनर्जी रिक्वायरमेंट्स प्रोटीन्स फैट्स और वाटर से फुलफिल करेगा, और जब ये अपनी एनर्जी रिक्वायरमेंट प्रोटीन फैट्स और वाटर से फुलफिल करने की कोशिश करती है हमारी बॉडी, तो क्या होता है कि जो इनके कोर वर्क है वो उसके लिए इनके पास सफिशियंट केमिकल्स बचते नहीं है, सफिशियंट न्यूट्रिएंट्स रहते नहीं है, जिसकी वजह से हम लोगों को कई बार डिफरेंट काइंड्स ऑफ डिफिशियंसीज आ जाती है। वो क्या क्या डिफिशियंसीज होती है आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला याद रखना, मतलब इसको रट लो कि कार्बोहाइड्रेट्स एक ही काम करते हैं, हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। और दूसरा सेकेंडरी काम उनका ये होता है कि फैट्स को ऑक्सीडेशन करते हैं। फैट्स का ऑक्सीडेशन क्या होता है, बेसिकली कुछ नहीं है, हमारा फैट आप फैट इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स केमिकल बॉन्ड्स, है ना, तो उनको ब्रेक डाउन करते हैं ताकि वो अपने जो जो उनके पर्टिकुलर टास्क हैं, है ना, बॉडी बिल्डिंग टास्क है। वो ऐसा नहीं है कि फैट आपके कहीं ऐसे जमा हो जाएगा, ठीक है, उससे ओबेसिटी होती है, उसके अलावा कुछ नहीं होता, लेकिन जो फैट्स का आपकी बॉडी में जो एक्चुअल काम है उसके लिए उनका ऑक्सीडेशन होना जरूरी होता है। तो वो ऑक्सीडेशन कौन करता है, वो जो भी आपके बॉडी में कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो ऑक्सीडेशन करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ है स्पेयर्स प्रोटीन्स फॉर बॉडी बिल्डिंग फंक्शंस, मतलब प्रोटीन्स का बेसिकली काम होता है बॉडी बिल्डिंग का, ठीक है। तो अगर आप कार्बोहाइड्रेट सही मात्रा में ले रहे हैं तो आपकी बॉडी प्रोटीन से एनर्जी गिविंग वर्क नहीं करवाएगी, वो प्रोटीन्स का काम जो बॉडी बिल्डिंग का है वो प्रोटीन से आप बॉडी बिल्डिंग फंक्शंस करवा सकते हैं, ठीक है। हेल्प्स इन लोइंग ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल्स, इसका ब्लड में जो कोलेस्ट्रॉल की मात्रा है उसको कम करने में हेल्प करता है, क्योंकि सेकेंड पॉइंट हम लोगों ने पढ़ा था कि इट हेल्प्स टू इन कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स, ठीक है। डेफिशिएंसी पढ़ लेना, डेफिशिएंसी आई थिंक अगर आपके 20 क्वेश्चन आ रहे हैं बीच में से दो या तीन क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो डेफिशिएंसी से आते ही आते हैं, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट्स की डेफिशिएंसी से क्या क्या होता है, मैरास्मस, केटोसिस, हंटर सिंड्रोम, डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल। डायबिटीज और कोलेस्ट्रॉल आप फैट्स के एक्सेस इनटेक से भी होता है, हार्ट डिजीज भी आपका फैट के एक्सेस इनटेक से होता है, और ये तीनों इसमें इसीलिए इंक्लूडेड हैं क्योंकि अगर आपके फैट का प्रॉपर ऑक्सीडेशन नहीं होता है तो फैट की एक टेंडेंसी होती है वो आपके यू नो डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स में सेटल हो जाते हैं जहाँ पे उन्हें स्पेस मिलती है, जिससे आप लोगों ने जनरली देखा होगा कि ओबेसिटी का कारण बहुत कॉमन है एक, है ना, हार्ट डिजीजेस का, वो आपकी जो हार्ट है उनकी जो पाइप्स रहती हैं उनमें उनमें सेटल डाउन हो जाते हैं और वहां पे अक्यूमुलेट होके जो ब्लड का फ्लो है उसको रोकने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से हार्ट अटैक्स बहुत कॉमन है ना। ठीक है, सो ये दिस स्लाइड इज मोर अबाउट कि एक कार्बोहाइड्रेट आपकी बॉडी पे कैसे इफेक्ट करता है, ठीक है। तो मतलब मुझे लगता है कि जितना भी मैक्सिमम हम लोगों ने पढ़ा है इसी में से मैंने ऑब्जर्व जितना करा है कि एनएसटेट के क्वेश्चंस इसी में से ही आए हैं। इसके अलावा कोई एक आधा और टॉपिक अगर मिस हो गया हो तो यू कैन टेल मी, है ना, कोई ऐसा टॉपिक अगर आपको लग रहा हो कि मैंने डिस्कस नहीं करा है, मैं भूल गया हूँ, तो प्लीज लेट मी नो, है ना, कमेंट्स में बता देना, सर के थ्रू शेयर करके बता देना, है ना, जैसा भी आपको कन्वीनियंट लगेगा, सो देट हम लोग उसको भी कवर कर सकें। तो अभी हम लोगों ने, अगर थोड़ा सा रिवाइंड करूं तो कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में पढ़ा कि तीन कार्बन मॉलिक्यूल्स के बने होते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, जिसमें से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन प्रोपोर्शन में रहते हैं 2:1 के, ठीक है, इसीलिए उनको कार्बोहाइड्रेट भी बोला जाता है, ठीक है। कितनी एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, 1 ग्राम के इनटेक में 4 कैलोरीज प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। थर्ड, कितना डाइटरी इनटेक रिकमेंडेड है, ठीक है, तो 100 ग्राम पर डे रिकमेंडेड है, ठीक है। क्या क्या चीजें हैं जो जिनको हम कार्बोहाइड्रेट्स में इंक्लूड कर सकते हैं, वीट, राइस, बार्ले, कॉर्न, शुगर, शुगर प्रोडक्ट्स, फ्रूट्स, नट्स, सारी चीजें, ठीक है। क्लासिफिकेशन, मोनोसेचराइड, डाइसेचराइड एंड पॉलीसेचराइड पे ज्यादा फोकस करना, मोनो मीन्स वन, ठीक है, तो ये बेसिकली वन कार्बन जो मॉलिक्यूल से बना रहता है, तो इसके लगभग सबके जो केमिकल फॉर्मूला है वो यही है, C6H12O6, ठीक है। इन दोनों को कंबाइन करके डाइसेचराइड्स बनते हैं और इनके ही 10-12 यू नो चेन्स को कंबाइन करके आपके पॉलीसेचराइड्स बनते हैं, जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, ठीक है। इसमें से भी तीन चीजें हमेशा ध्यान रखना, डेक्सट्रिन, स्टार्च और पेक्टिन, क्योंकि क्वेश्चंस इसी से ही बन के आएंगे, वो कैसे बन के आएंगे आप पढ़ते हैं, ठीक है। फंक्शंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स,
सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है एनर्जी गिविंग, दूसरा ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स, तीसरा स्पेयर्स प्रोटीन फ्रॉम बॉडी बिल्ड फॉर बॉडी बिल्डिंग फंक्शन और लोअरिंग ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल्स। ठीक है, अब यहां तक हमने पढ़ा कि भाई कार्बोहाइड्रेट्स हमारी बॉडी पे कैसे इफेक्ट करते हैं, लेकिन उन कार्बोहाइड्रेट्स को अटेन करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जनरली उन्हें रॉ फॉर्म में नहीं खाते। आपको मैं चावल का दाना दूंगा, आप नहीं खा पाओगे, तो उसके लिए हम लोग उसको क्या करते हैं, हम लोग उसको कुक करने की कोशिश कुक करते हैं, हम लोग डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स में कार्बोहाइड्रेट्स को कुक करते हैं। तो इससे रिलेटेड कुछ ऐसी टर्म्स है कुकिंग से रिलेटेड जो आपके इसमें न्यूट्रिशन वाले जो पेपर टू है इसमें आ जाती है। द फर्स्ट वन इज जेलेटिनाइजेशन। ठीक है, जेलेटिनाइजेशन क्या है, जेलेटिनाइजेशन इज अ प्रोसेस दैट अकर्स व्हेन स्टार्च ग्रेन्यूल्स आर हीटेड इन अ लिक्विड कॉजिंग देम टू स्वेल एंड बर्स्ट। ठीक है, विच रिजल्ट्स इन लिक्विड थिकनिंग। तो आप लोगों ने कई बार, सबसे सिंपल एग्जाम्पल दे रहा हूँ, चावल देखे होंगे। तो चावल में क्या होता है कि आप रॉ चावल डालते हो, थोड़ा सा पानी डालते हो उसमें, है ना, और जब आप उसको प्रेशर कुक करते हो तो वो चावल का जो फिजिकल स्ट्रक्चर है वो थोड़ा चेंज हो जाता है। आप लोगों ने देखा होगा कैसे चेंज होता है, क्या चेंज होता है। अगर मैं बेसिक चीज बताऊं तो उसके चावल के जो दाने हैं वो फूल जाते हैं और थोड़ा सा मॉइस्ट हो जाते हैं, है ना। तो दैट प्रोसेस, दैट पर्टिकुलर प्रोसेस इज नोन एज जिलेटनाइजेशन। अगर मैं इसका थोड़ा केमिस्ट्री बताऊं तो उसमें क्या होता है कि जो आपके जो चावल के दाने के अंदर जो स्टार्च मॉलिक्यूल्स हैं उनके उनके जो बीच में जो गैप्स रहते हैं उनके बीच में पानी जो वाटर है वो आ जाता है, और उसकी वजह से क्या होता है, वो जो चावल का दाना है वो फूल जाता है। ठीक है, और कई बार क्या होता है कि इसका जो कई अगर आप इसका लिक्विड एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करोगे तो ये काफी थिक होता है। ठीक है, दैट इज जिलेटिनाइजेशन। नेक्स्ट इज विस्कोसिटी। विस्कोसिटी क्या हुआ, विस्कोसिटी इज अ रेजिस्टेंस ऑफ अ फ्लूइड टू चेंज इन टू अ चेंज इन शेप और मूवमेंट ऑफ नेबरिंग पोर्शंस रिलेटिव टू वन अनदर। तो विस्कोसिटी क्या हो गया, कितना गाढ़ापन है बेसिकली, अगर मैं एक सिंपल सी लैंग्वेज में आपको बोलूँ तो गाढ़ापन कितना है किसी चीज में, उसको आप विस्कोसिटी टर्म कर सकते हो। इसका एक सिंपल सा एग्जाम्पल देता हूँ, अगर आप लोगों ने जो कुकिंग में थोड़ा सा इंटरेस्टेड होंगे, हम लोग चाइनीज कुजीन में एक थिकनिंग एजेंट यूज करते हैं जिसको हम लोग कॉर्न स्टार्च बोलते हैं, है ना। तो कॉर्न स्टार्च की टेंडेंसी होती है कि अगर आप उसको वो बड़ा विस्कस सॉल्यूशन होता है, अगर आप उसको स्टेबलाइज करें बिना छेड़ोगे नहीं ना, तो वो हार्ड भी हो जाता है, और अगर आप उसको थोड़ा सा मूव करोगे वो एकदम से सॉफ्ट भी हो जाता है ना। तो दैट टर्म इज कॉल्ड विस्कोसिटी। विस्कोसिटी इज अ रेजिस्टेंस ऑफ अ फ्लूइड टू चेंज। तो जितना गाढ़ापन की जिसकी हम बात कर रहे हैं दैट इज विस्कोसिटी। तो आपकी ग्रेवीज हो गई जनरली, ठीक है, इसमें आप लोगों ने जिलेटिन जो एक्स्ट्रा जो आप पढ़ सकते हो अपार्ट फ्रॉम दिस, एंड यस प्लीज रोक रहा हूँ बीच में, अगर आपको ये न्यूट्रिशन एंड फूड साइंस पढ़ना है, इसकी बहुत अच्छी बुक है जिससे मैंने ये पीपीटी बनाई है, दैट इज ऑक्सफोर्ड की है, सुनित्रा रोडे, है ना। तो ये सारे जो भी चीजें मैं बता रहा हूँ ये उसमें अवेलेबल है, आप वो पढ़ सकते हैं, काफी अच्छी बुक है ना, और काफी डिटेल्ड है, और एनेस्टेट का मैक्सिमम पोर्शन कवर कर लेती है अकेली बुक। तो आपको ज्यादा ज्यादा इधर उधर सर्च करने की जरूरत नहीं है, दिस वन बुक इज आई थिंक मोर देन सफिशियंट आपको वो 20 मार्क्स अचीव करने में। ठीक है, और ये जितने भी टॉपिक्स मैं शेयर कर रहा हूँ ये सारे इस बुक में ऑलरेडी हैं, और ये यही कुछ टॉपिक्स हैं जो एनएसटेट के क्वेश्चंस में किसी ना किसी फॉर्म में आए हुए। ठीक है, तो दीज ये नीचे जिलेटिन अगर अगर एस्पिक एंड जेली एस्पिक ये सारे दीज आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स एंड स्टार्चेस। ठीक है, नेक्स्ट इज रेट्रोग्रेडेशन। रेट्रोग्रेडेशन क्या होता है, रेट्रोग्रेडेशन टेक्स प्लेस इन अ जिलेटिनाइज स्टार्च व्हेन एमिलोज एंड एमिलोपेक्टिन चेन्स रियलाइन देमसेल्व्स। ठीक है, अभी इस पे आएंगे, जिलेटिनाइजेशन आपको, आई होप जिलेटिनाइजेशन आपको समझ आ गया है, प्लीज कमेंट्स में अगर लिख दो। आई होप जिलेटिनाइजेशन इज ओके 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 डन डन। तो जिलेटिनाइजेशन में हम लोगों ने चावल का एग्जांपल लिया ना कि चावल को हम प्रेशर कुक करते हैं तो वो स्वेल हो जाता है, पानी गायब हो जाता है, पानी कहाँ जाता है, पानी उसके
जो स्टार्च ग्रेन्यूल्स होते हैं, जो स्टार्च ग्रेन्यूल्स उस चावल के कंकड़ को बना रहे होते हैं, उनके बीच में जो गैप्स है उस गैप को फिल करता है। और उस गैप को फिल करने की वजह से क्या होता है, जो चावल है वो स्वेल हो जाता है, और स्वेल के होने के साथ साथ वो, और पास्ता के साथ भी सेम होता है ना, जो भी ये एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं, सॉसेज, पास्ता, सैगो, टैपियोका। सॉस इज अ वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ विस्कोसिटी, ठीक है, लिक्विड होता है लेकिन वो अपनी फ्लो की रेजिस्टेंस को रोकता है, तो आपने देखा होगा गाढ़ा रहता है सॉस, है ना। तो जिलेटनाइजेशन से ही एक नेक्स्ट टर्म जो है हमारा, दैट इज डेक्सट्रनाइजेशन, ठीक है। डेक्सट्रनाइजेशन क्या हुआ, डेक्सट्रनाइजेशन हम लोग ये मानते हैं कि अगर हम किसी चीज को बहुत देर तक छोड़े ना, कि मतलब किसी भी चीज को, ये तो टर्म दे दिया है यहाँ पे, सॉरी रेट्रोग्रेडेशन ना, रेट्रोग्रेडेशन पढ़ेंगे पहले। रेट्रोग्रेडेशन हम लोग ऐसे मानते हैं कि अगर हम लोग किसी चीज को बहुत टाइम तक छोड़ दें, है ना, तो उसके जो चेन्स हैं, है ना, जो भी हम लोगों ने करा है वो वापस रियलाइन करने की कोशिश करते हैं। पूरे नहीं हो पाते, पूरे होने में बहुत टाइम लगता है, लेकिन फिर भी वो रियलाइन होने की कोशिश करते हैं, वापस अपने फॉर्म में आने की कोशिश करते हैं। तो अगर आप देखेंगे, चावल का एग्जाम्पल दूंगा, कि चावल आपने लिया, आपने उसको कुक करा और आपने उसको पकाने लगे, तो आपने देखा होगा वो काफी मॉइस्ट हो जाता है, फ्लफी हो जाता है ना, शाइन आ जाती है उसमें चावल में। चावल एक ऐसी बेसिक चीज है जो मेरे ख्याल से यहाँ पे सारे पार्टिसिपेट्स ने खा रखी होगी, है ना। लेकिन रेट्रोग्रेडेशन क्या हो, रेट्रोग्रेडेशन को ऐसे ले लो कि मान लो आपने वो चावल पकाया लेकिन आपने वो खाया नहीं, आपने वो कहीं रख दिया थोड़े दिनों के लिए, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, तो आप हल्के हल्के देखेंगे उसमें ना वो हार्ड होने लगता है ना, एकदम से तो नहीं होगा पर हार्ड होने लगा, और जैसे जैसे आपके दिन बीतते रहेंगे वैसे वैसे वो ज्यादा हार्ड होने लगता है, कई बार वो बर्तन पे चिपक भी जाता है ना। तो वो क्यों होता है, दैट फिनोमिनन इज नोन एज रेट्रोग्रेडेशन। वो जो फिनोमिना है ना, वापिस वो क्या कर रहे होते हैं, वो जो उनकी चेन्स ब्रेक हुई है, जब हमने जिलेटनाइजेशन करा था, पानी डाल के कुक करने की कोशिश करी थी उसे, तो वो चेन्स जो ब्रेक हो गई थी ड्यू टू एडिशन ऑफ वाटर और हीटिंग की वजह से, वो वापिस अपने फॉर्म में वापस अपने रियलाइन होने की कोशिश करते हैं। कौन कौन सी चीजें, ये एमिलोज एंड एमिलोपेक्टिन, ये याद रखें, ठीक है। क्वेश्चन ऐसे ही आया था, आई थिंक एक इंस्टीट्यूट के पेपर में आया हुआ है ना, कि विच इज अ प्रोसेस इन विच स्टार्च तो नहीं लिखा था, पर एमिलोज एंड एमिलोपेक्टिन चेंज रियलाइन देमसेल्व्स, ऐसे करके एक क्वेश्चन आया हुआ था। तो ठीक है, आप ये एग्जाम्पल ब्रेड के साथ भी ले सकते हैं, आप पास्ता के साथ भी ले सकते हैं। तो ये क्या होने लग जाता है, ये हार्ड होने लग जाता है और ब्रिटली होता है, अगर आप उसे दांत से खाएंगे तो आपको हल्का सा हार्ड ब्रिटल टाइप का लगेगा, ठीक है। दैट इज रेट्रोग्रेडेशन। नेक्स्ट इज डेक्सट्रनाइजेशन, अगेन वेरी सिंपल, डेक्सट्रनाइजेशन रोटियां सबने बनाई होंगी, है ना। तो दिस काइंड ऑफ ब्राउनिंग That occurs when food containing starch are cooked or exposed to an alkali, acid or enzyme. Dextrinization is a chemical change in starch molecule caused by breakdown of sugar chains. तो हम लोग जब रोटी बनाते हैं, रोटी में, रोटी आपके आटे से बनती है, और आटे में आपको पता है एक पॉलीसेचेराइड होता है जिसको हम लोग स्टार्च बोलते हैं, है ना। तो क्या होता है, जब इस पे हीट पड़ती है ना, तो बहुत हाई हीट और डायरेक्ट हीट पड़ती है, तो आपने देखा होगा रोटी जनरली जब आप उसको बेलते हो तो व्हाइट कलर की रहती है, लेकिन जब आप उसको तवे पे डालते हो तो ब्राउनिश कलर की होने लग जाती है। इट इज बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर फिनोमिनन नोन एज डेक्सट्रनाइजेशन। इसमें क्या होता है, बेसिकली स्टार्च स्टार्च मॉलिक्यूल्स ब्रेक डाउन होने लगते हैं शुगर मॉलिक्यूल्स में, ठीक है, मोनोसेचेराइड्स में कन्वर्ट होने लगते हैं, है ना। एंड इट इंक्लूड्स इट रिजल्ट्स टू ब्राउनिंग ऑफ दैट पर्टिकुलर, है ना। और इसको आप ब्रेड के साथ भी एग्जाम्पल, अगर आप ब्रेड को थोड़े टाइम के लिए अगर खुला छोड़ दो तो आप उसमें भी हल्की हल्की ब्राउनिंग देखोगे, है ना। इट इज अगेन दैट माइट बी ड्यू टू एन एल्कली एसिड और एंजाइम, जो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, राइट। नेक्स्ट इज इफेक्ट्स ऑफ कुकिंग ऑन शुगर, कार्बोहाइड्रेट्स, शुगर, शुगर भी हम लोगों ने पढ़ा था कि मोनोसेचराइड है, एक तरीके का कार्बोहाइड्रेट है ना। और कार्बोहाइड्रेट्स, ये जो एक पर्टिकुलर स्लाइड है, आई थिंक दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर फूड प्रोडक्शन पॉइंट ऑफ व्यू, इसका क्वेश्चन फूड प्रोडक्शन में भी आ सकता है और इसका क्वेश्चन न्यूट्रिशन में भी आ सकता है। तो ये जो टेम्परेचर्स हैं, है ना, और ये जो टेस्ट लिखा हुआ है, टेस्ट के नीचे जो ये टर्म्स लिखी हुई है, ये आपने रट लेनी है, ठीक है।
अच्छा होगा आप ये प्रोडक्ट भी याद कर लें कि किस टेम्परेचर पे क्या चीज बनती है, आपके फूड प्रोडक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन अगर न्यूट्रिशन में कोई क्वेश्चन आएगा तो ये टेम्परेचर एंड टेस्ट, मतलब जब भी आप उसको शुगर को कुक करना शुरू करते हैं हल्के हल्के, तो डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस आती हैं टिल दी कैरेमलाइजेशन ऑफ शुगर, है ना। तो वो क्या क्या होती है, वो ये सारी है: थ्रेड, सॉफ्ट बॉल, फर्म बॉल, हार्ड बॉल, सॉफ्ट क्रैक, हार्ड क्रैक एंड ब्राउन लिक्विड, और जिसको हम कैरेमलाइजेशन भी कहते हैं, ठीक है। आई थिंक एक एक पेपर में आपका कैरेमलाइजेशन का टेम्परेचर भी आया है, यहाँ पे 170 लिखा हुआ है, पेपर में 169 आया था। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है, कि अगर आपका कोई टेम्परेचर जोन आ रहा है या आपका कोई, मान लो कैलोरीज वाले एग्जाम्पल ही दे रहा था मैं, तो जो भी आपको नियरेस्ट वैल्यू दिखेगी उसमें आपने टिक कर देना है, ठीक है। ओके सर, सो थैंक यू भूपेंद्र सर। एंड गाइस, आपके लिए मॉक टेस्ट असाइन कर दिए हुए हैं। 3 मॉक टेस्ट आपको असाइन किए हैं। अभी अभी तो एक जस्ट अभी शुरू होगा 8:15 पे, है ना, और फिर एक 8:30 पे है, एक 9 o'clock है। तो 3 मॉक टेस्ट है, उनको आप असाइन करें, उनको आप अटेम्प्ट करें, सॉरी, है ना।